ऐलान जंग देख रहे हैं आप, चिराग पासवान क्या करेंगे या चिराग पाला बदलेंगे या बीजेपी से बात बन गई। कल रात जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कुछ फॉर्मूला निकालने की बात तो कही जा रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर चिराग पासवान प्रधानमंत्री के मंच पर नहीं दिखे तो राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया। 5 दिन तक सियासी सस्पेंस बनाए रखने के बाद गुरुवार की रात चिराग पासवान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए सीटों की मांग रखी। चिराग पासवान की पार्टी अपने लिए पुराने फॉर्मूले के तहत 6 लोकसभा सीटों की मांग कर रही है। 2014 में हम चुनाव लड़े थे तो 7 सीट पर लड़े थे, आपको याद ही होगा। और 2019 में हम लोग 6 सीट पर लड़े थे और 1 राज्यसभा थी। अब 20 में जब हम अलग हुए, अब पुनः जब फिर NDA में हम शामिल हुए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात करने के उपरांत शामिल हुए थे, तो हमारी तो इतनी हिस्सेदारी है ना। बाकी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए आधिकारिक रूप से होंगे, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। लेकिन मामला फंसा है चिराग के चाचा पशुपति पारस की वजह से। अगर चिराग को ही 6 सीटें मिल गईं, तो फिर चाचा क्या करेंगे? असल में साल 2021 में चिराग पासवान की पार्टी LJP में टूट हुई। 5 सांसद चाचा पशुपति पारस के साथ जुड़ गए और इसकी वजह से पार्टी 2 धड़ों में बट गई। आज की तारीख में बिहार में LJP के 2 धड़े हैं। एक धड़ा चिराग पासवान के साथ है तो दूसरा धड़ा चाचा पशुपति पारस के साथ में। नीतीश कुमार के NDA में वापसी से पहले तक चिराग पासवान को जितना भाव मिल रहा था, अब वो समीकरण बदल चुके हैं और इसी वजह से सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ सा नजर आ रहा है। कल की मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की तरफ से चिराग को भरोसा क्या दिया गया, ये बात सामने नहीं आई। लेकिन माना जा रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी अपने साथ बनाए रखना चाहती है। NDA इंटैक्ट है, चिराग पासवान जी भी NDA के एक अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं, और हम लोग साथ मिल करके NDA को आगे 40 से 40 सीट जिताएंगे। लोकसभा का चुनाव ही नहीं, विधानसभा का जो आगामी चुनाव है उसमें भी NDA भारी बहुमत से बिहार में जीतने जा रहा है और हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विकास करने का काम करेंगे। चिराग के साथ ही एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी इन दिनों कटे कटे से चल रहे थे। आज मान मनोबल के लिए उनसे मिलने बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं, किसी के आने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। उपेंद्र कुशवाहा कहीं से कोई नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाराज होने का कहा इसमें कोई मतलब है? अब चर्चा करने वाले लोग जाने क्या चर्चा कर रहे हैं। असल में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का सियासी समीकरण नीतीश की NDA में एंट्री से बिगड़ गया है। 2019 में NDA में बीजेपी, JDU, LJP 3 ही पार्टियां थी। तब बीजेपी और JDU 17-17 सीटों पर चुनाव लड़े। रामविलास पासवान की LJP 6 सीटों पर चुनाव लड़ी। अब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है, उनकी पार्टी टूट चुकी है। चाचा भतीजों में सीट को लेकर जंग है। चाचा पारस मोदी सरकार में मंत्री हैं और भतीजे चिराग के पास जाति का आधार वोट। बीजेपी दोनों को ही साथ बनाए रखना चाहती है, मतलब चिराग जरूरी भी है और 6% पासवान जाति का वोट पाने के लिए NDA की मजबूरी भी। लेकिन इस वक्त NDA से दूरी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उनके दावे को पूरा करने का मतलब है JDU और BJP का अपने खाते से सीटों का नुकसान करना। अब ऐसा रिस्क बीजेपी JDU लेती हैं तो इस पर सबकी निगाहें हैं। चिराग को मनाने का फॉर्मूला ये हो सकता है कि 6 सीटों के दावे को घटाकर 4 तक लाया जाए। विवादित हाजीपुर की सीट चिराग पासवान को मिले, चिराग समर्थकों को एडजस्ट करने का भरोसा मिले, चाचा पारस के समर्थक सांसदों को बीजेपी JDU अपने खाते से एडजस्ट करें। वैसे तो चिराग पासवान को महागठबंधन की तरफ से भी ऑफर मिला हुआ है, लेकिन फिलहाल मौजूदा हालातों को देख करके तो ऐसे ही लग रहा है कि चिराग पासवान NDA का ही हिस्सा बना रहना चाहते हैं, क्योंकि NDA में उनको एक तरफ जीत की गारंटी नजर आ रही है तो दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि जब NDA की सरकार बनेगी तो उनको केंद्र में मंत्री पद भी मिल सकता है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। ऐसे में चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे अगले कुछ दिनों में, उम्मीद की जा रही है कि ये तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये हैं इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।